अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सफदर महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर इन कश्मीर। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुआ हूं, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरीके के साथ घर पर एक कंप्यूटर के माउस को ख़ुद से रिपेयर कर सकते हैं। उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कैसे दूर किया जाता है, तो आज देखते हैं। ये मेरे पास एक एप्पल कंपनी का माउस है, जो कि पहले ठीक से चल रहा था, लेकिन अभी अचानक से इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो सबसे पहले हम इसको लैपटॉप में लगा के देखते हैं। जैसा कि ये देख रहे हैं, ये एक एरर शो कर रहा है, USB डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज्ड। जबकि इस माउस की ये लाइट भी ऑन हो रही है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये ऑफ हो जाती है। जैसा कि आप ये एरो देख रहे हैं, लैपटॉप का अपना एरो तो ये वर्किंग कर रहा है, लेकिन ये माउस वाला जो है ये काम नहीं कर रहा। तो आज हम इसको मरम्मत करने का तरीका सीखेंगे। सबसे पहले हम इसको ओपन कर लेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या फॉल्ट है। ये इसके नीचे एक स्क्रू होता है, इसको ओपन करना पड़ता है। इस तरीके के साथ इसको ऊपर उठाएंगे और इसको ऐसे थोड़ा हिला के बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि अगर आप खींचेंगे तो इसके ये दो छोटे छोटे लॉक होते हैं वो टूट जाएंगे। उसके बाद आप इसके बोर्ड को बाहर निकाल के चेक करें कि आया इसके अंदर कोई चीज़ जली हुई तो नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है जो जल चुका है। देखने में तो ये ठीक नज़र आ रहा है। दोस्तों, इसकी वायर ये एक उतरी नज़र आ रही है। क्योंकि जो इसको सोल्ड किया गया वो अच्छे तरीके से नहीं किया गया, तो जिसकी वजह से ये ड्राई होके उतर गया है। इसकी वायर को हम जो है वो जोड़ लेंगे। अमूमन इसके अंदर जो प्रॉब्लम आती है वो वायर की आ जाती है, कि वायर बहुत ही नॉर्मल होती है जो कि क्रैक हो जाती है। तो दोस्तों, उसके बाद हम इसको जिस तरीके के साथ खोला है उसी तरीके के साथ आराम से इसको जो है वो बंद कर लेंगे। ये इसका व्हील होता है जो अप एंड डाउन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप इस तार को बैठाएंगे अपनी जगह पे,
इस तरीके के साथ। फिर आराम से ये इसके दो लाख हैं छोटे, इनके अंदर इसको आराम से बिठाएंगे ये ऐसे। सही लॉक बैठा नहीं अभी एक तरफ से ये। दोस्तों इसके लॉक अपनी जगह पे बैठ गए हैं, आप इस तरह चेक कर सकते हैं कि दोनों ठीक काम कर रहे हैं। उसके बाद आपने जो स्क्रू ओपन किया था उसको आप लगा लें। तो दोस्तों अभी हम इसकी फाइनल टेस्टिंग करने वाले हैं लैपटॉप के साथ लगा के। तो दोस्तों अभी हम इसकी फाइनल टेस्टिंग करने वाले हैं लैपटॉप के साथ लगा के। दोस्तों ये इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये अब इसका एरो काम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारा माउस ठीक हो चुका है। और इसकी लाइट भी अभी ये ऑन है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो दोस्तों आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे चैनल मिस्टर इंजीनियर इन कश्मीर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के दाएं तरफ रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर भी आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसका ये फ़ायदा होगा कि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो दोस्तों इसी के साथ मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।